प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी में दोबारा वापस जाने के अटकले को खारिज किया और कहा अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जहां रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, जब तक उन्हें जवाब न दे दिया जाए तो वही समाजवादी पार्टी के गुंडों से बताया जान का खतरा। बलिया के रसड़ा में अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर मीडिया से कहा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर धमकी और गाली दी जा रही है, ये कहीं भी अप्रिय घटना कर सकते हैं और ये शातिर लोग हैं। सपा में जाने की अटकले भी लगाई जा रही है, जितनी सही है कितनी सही है, और सपा में शामिल होने का ऑफर मिलता है तो आप क्या सपा में जाने के लिए इच्छुक होंगे? ये फिजूल की अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ ईमानदारी से रहते हैं, जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम लोग डटे रहते हैं। आप जब से एनडीए में शामिल के आदेश को तो बुरा तो लग रहा है, सोशल मीडिया पर जिस तरह धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो एक तो अंदेशा है कि ये लोग, क्योंकि जब सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, तो भाई 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ सफाई गुंडों ने जो हरकत किया गेस्ट हाउस कांड में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी को तो खत्म करने वाले थे सफाई गुंडे, उसी में बेचारे रामचर राजभर को मारते पीटते लतियाते घेराते ले गए टान के, वही ना गुंडे हैं सफाई, उनसे तो कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ इस तरीके की घटना का, कहीं भी कोई अपनी घटना कर सकते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं भैया, जब पूरे देश की प्रदेश की सरकार को जो है उस लाइन में खड़ा कर दिए तो और क्या बात है। अभी देखा गया कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एक तरह से कहे जा रहे हैं अब, और सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की बातें, अब हाल ही में उनका एक बयान आया है कि हिंदू धर्म नहीं है पारसी है और हिंदू धर्म चोर है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का गाना बजता है, उसी तर्ज पर गले में माला विचारों पे ताला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो माला पहनाते हैं चाहे अखिलेश जी हों चाहे जो बयान देने वाले लोग, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते, ये चुन के जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग धर्म के जो हैं सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी। ये जो कह रहे हैं उनको भेजा गया है समाजवादी पार्टी ने, जब तक रसातल में समाजवादी पार्टी को न पहुंचा दे भैया तब तक तुम उधर से आना मत। कौन भेजे? अरे स्वामी प्रसाद मौर्या जी को भेजा गया है, नहीं देख रहे हैं जब पहले बयान पर गुलबंदी भेजा है वो बाद में बताया कि पूरा जो नहीं।